हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि इंटरव्यू में मुझसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंट्री से। मेरा इंटरव्यू अराउंड 6 o'clock हुआ था क्योंकि 25 कैंडिडेट्स में मेरा नंबर 25th था। और जब एंट्री हुई तो सबसे पहले हमारी फाइल्स बाहर ही रखवा दी जा रही थी क्योंकि फाइल्स अंदर लेके जाना अलाउड नहीं था। और मैंने अपनी फाइल बाहर रखी और सबसे पहले थोड़ा सा डोर ओपन किया और मे आई कम इन बोला। उसके बाद मुझे सिर्फ सामने एक ही सर दिखाई दे रहे थे, उन्होंने बोला यस कम इन। उसके बाद मैंने एंट्री ली और वहां पे 4 मेंबर्स थे, 3 मेल और 1 फीमेल। सभी को गुड इवनिंग विश किया। उसके बाद मैं चेयर के साइड में खड़ी हो गई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठ जाओ। देन उसके बाद मैंने थैंक यू बोल के मैं बैठ गई। सो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। सो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपनी पूरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट की। दोनों टाइम में सबसे पहले मुझसे इंट्रोडक्शन ही पूछी गई थी। जब लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में अपनी फैमिली के बारे में साथ में ऐड नहीं किया था। मेरी इंट्रोडक्शन सिर्फ 3 ही लाइंस में कंप्लीट हो गई थी, बट इस बार मैंने अपनी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा लेंथी किया और अपनी फैमिली को भी साथ में इंक्लूड किया। उसके बाद मैंने हॉबी को भी साथ में ऐड किया था, बट जैसे ही मैंने फैमिली के बारे में बताया उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं। तो मैंने कहा कि मेरा एक सिबलिंग है और उन्होंने पूछा कि वो क्या करता है। देन उसके बाद मैंने उसके बारे में बताया। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे मेरी हॉबी के बारे में पूछा और फिर मैंने अपनी हॉबी के बारे में बताया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि RRBs, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। सो मुझे इसका आंसर नहीं आता था। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे नहीं पता। मतलब एक दो का डिफरेंस तो मैं बता सकती थी, बट तीनों में डिफरेंस, ये मेरे फर्स्ट टाइम में पूछा गया था, मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना है। सो मैंने वहां पे बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसका आंसर। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा एट द एंड ऑफ द डे बैंक पूरे अमाउंट का, पूरी मनी का क्या करता है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि CRR क्या होता है। मैं दोनों इंटरव्यूज के क्वेश्चन मिक्स करके बता रही हूँ कि मुझसे क्या क्या पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब नेक्स्ट सर को बोला गया कि आप पूछो, तो उन्होंने भी फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा मेरे से कि आप RRBs और कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंस बताओ। सो मुझे वहां पे भी नहीं पता था, सेम मैंने वही आंसर फिर से दिया कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि NPA क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताओ कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं। फिर से पूछा गया कि RRBs और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया, बट लास्ट में एक लाइन में गलती हो गई थी, उसमें फिर से मुझे सर ने करेक्ट किया कि नहीं, यहाँ पे ये ईयर आएगा। और मैंने वहाँ पे थैंक यू बोला कि थैंक यू सर, ठीक है कि इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे बताया। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, मैं सारे क्वेश्चंस मोस्टली मिक्स ही बता रही हूँ, जो क्वेश्चन जो मुझे याद है कि इस बार पूछे गए थे उसके लिए मैं स्पेशल मेंशन कर रही हूँ कि हाँ ये इस बार पूछे गए थे। उसके अलावा मुझे पूछा गया था कि NDTL क्या होता है। और जब थर्ड सर पूछने लगे थे तो उन्होंने कहा कि आपका बैकग्राउंड BA ऑनर्स इन मैथमेटिक्स है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक इसमें कितने प्राइम नंबर आते हैं। सो मुझे उस टाइम सडनली पता नहीं था कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ना ही मुझे याद आ रहा था। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे नहीं याद। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 से 10 तक बता दो कि कितने प्राइम नंबर आते हैं। फिर मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। उसके बाद मैंने इस चीज का भी आंसर दिया। अगली बार मेरे इंटरव्यू का ये लास्ट क्वेश्चन था कि हम आपको एज अ PO क्यों सेलेक्ट करें, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लोन से रिलेटेड कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो उससे पहले आप किन किन डॉक्यूमेंट्स को देखोगे, किन किन बातों का ध्यान रखोगे। ये मुझे आधा अधूरा पता था, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा थोड़ा बहुत और था जो मुझे आगे सर ने बताया कि इन चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके एरिया में फसलें होती होंगी। मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने कहा कि रवि और खरीफ क्रॉप में डिफरेंस बताओ। मैंने डिफरेंस बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके एरिया में रवि क्रॉप और खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आती हैं। सो लास्ट क्वेश्चन था मेरे लास्ट ईयर इस बार के इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन था कि अगर हम एज अ PO आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दे दें तो क्या आप वहां पे जॉब कर लोगे। सो इसमें मेरा आंसर यस था। सो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए।
उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। मैंने सबको थैंक यू बोला और नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं उठी। जैसे मैंने एंट्री ली थी सेम एज इट वहाँ से एग्जिट लिया। एक और बात कि आप अपनी जो भी क्वालिफिकेशन होगी उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। जैसे मेरा मैथ का बैकग्राउंड था तो मेरे से प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया। सो सेम एज इट अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है या कुछ भी है सो प्लीज थोड़ा बहुत अपनी क्वालिफिकेशन का पढ़ के जाना ताकि अगर वहां पे आपको कुछ पूछा जाए तो आप आंसर दे सको। आपके पैनल में जितने भी मेंबर होंगे उनमें से एक मेंबर तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर होता है जो आपसे कुछ भी नहीं पूछता। जैसे मैंने बताया कि मेरे इंटरव्यू में दोनों टाइम में 3 मेल मेंबर और एक फीमेल मेंबर, तो जो वो मैम थे वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर थे, वो किसी से कुछ भी नहीं पूछ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मूवमेंट्स को देखते हैं, आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो हड़बड़ाहट में या फिर रिलैक्स होके बिल्कुल पोलाइट वे में, और आपकी हैंड मूवमेंट आपके पैरों की मूवमेंट कैसी है, आप घबरा तो नहीं रहे हो। चाहे जितने भी मेंबर हों, अगर आपके इंटरव्यू में 5 मेंबर हैं तो उनमें से एक ऑब्जर्वर होगा, अगर 4 मेंबर हैं तो एक ऑब्जर्वर होगा। तो हर इंटरव्यू में एक ना एक ऑब्जर्वर होता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जितना हो सके मिरर के आगे बैठ के प्रैक्टिस करो कि ताकि आपको वहां दिक्कत ना आए, क्योंकि आप खुद देखो एक पर्सन तो सिर्फ आपकी मूवमेंट्स को देखता है, आपको नहीं पता है कि जल्दबाजी में आप हैंड मूवमेंट किस तरीके से कर रहे हो। इसीलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि आप मिरर के आगे बैठ के प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी हैंड मूवमेंट्स क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो। सो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।